segregation, and the third one is law of independent assortment. Aap nahi, law of independent assortment. अब एक बात समझो, इन तीनों लॉ को मिलाकर उसने एक थ्योरी दिया जिसका नाम रखा थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. तो तुमसे यदि पूछता है कि हु गेव द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्या बोलोगे? मेंडल. एंड दीज थ्योरी वर बेस्ड ऑन हाउ मेनी लॉज? थ्री लॉज. ठीक है, एंड दोस थ्री लॉज वर ऑल्सो गिवन बाय हुम? मेंडल. तो इसने ये तीन लॉ दिए. इस तीन लॉ में पहले वाले और तीसरे वाले का ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक है, लेकिन आज भी सेकेंड वाले का कोई ड्रॉबैक नहीं है. तो इसीलिए सेकेंड वाले को हम यूनिवर्सल लॉ कहते हैं. क्या कहते हैं? यूनिवर्सल लॉ. तो व्हाई द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल लॉ, समझ में आया? बिकॉज इट डू नॉट हैव एनी ड्रॉबैक. पहले और तीसरे का ड्रॉबैक है. अब यदि हमें ये समझना है कि ये लॉ क्या थे, तो उसके लिए पहले एक्सपेरिमेंट समझने होंगे. ठीक है, तो इसमें एक्सपेरिमेंट पढ़ने से पहले मैं एक चीज बता दूं आपको. जो ये दो लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो ये दोनों लॉ जो है That is based on first experiment. जो first experiment किया उस पे based इसने दो law दिए. फिर उसने second experiment किया और उस experiment पे उसने third law दिए. और इन तीनों law को मिलाकर उसने एक theory compile किया जिसका नाम रखा theory of inheritance. Means a theory which will be discussing about how the characters will be transferred from one generation to another generation. आया समझ में? तो अब हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट की. ठीक है, अब इसमें